नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पुनीत सोनकर और आज हमारे बीच हैं फिल्मकार और वरिष्ठ पत्रकार तपेश जैन जी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये और हम मिल के मतलब एक क्लब, एक संस्था बना रहे हैं एसोसिएशन कैट के नाम से, छत्तीसगढ़ आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस वेलफेयर एसोसिएशन, उसके संदर्भ में कि ये एसोसिएशन किस प्रकार से और कैसे कलाकारों के हित के लिए काम कर रही है। तो तपेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एसोसिएशन आप किस तरीके से इसको इम्प्लांट कर रहे हैं और ये क्या बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर पुनीत सोनकर जी। हम उन्हीं के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हरिओम फिल्म्स का ये स्टूडियो है और यहाँ पर हम ये जो संगठन बनाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन वेलफेयर एसोसिएशन, उसका पंजीकृत कार्यालय डॉक्टर साहब के पास में ही रहेगा। डॉक्टर पुनीत सोनकर का पुरानी बस्ती पे स्टूडियो हरिओम फिल्म्स के नाम से यहीं पर रखेंगे। हमारा उद्देश्य यह था डॉक्टर साहब कि आप भी इस संगठन से जुड़े हुए हैं और इस संगठन के फाउंडर हम सब लोग मिलकर पहले कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक पोस्टर हमने डाला था। पोस्टर डालने के बाद उसका भी ऐसा लोग पूछते हैं कि क्या करेंगे आप, इसमें क्या करना होगा, इसमें हम लोग को, मेरे पास में बहुत सारी क्वेरीज आती है, सर जुड़ना चाहते हैं, क्या होगा और क्या करना होगा हमारे को। तो हम ये कहना चाहते हैं कि संगठन संगठन के तरीके का है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी विधा हो उसको कलाकार इसमें शामिल हो सकता है। 200 रुपये सदस्यता शुल्क अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं डॉक्टर साहब। हम चाह रहे हैं कि पहले इवेंट के माध्यम से लोगों को जोड़ें, उनको लगे कि संगठन से जुड़ना है तो फिर वो फीस दें उसको। हमारा ये संगठन का उद्देश्य ये है कि कोई एक ऐसा मंच होना चाहिए जो कि कोई अपनी जो बात है, अपनी पीड़ा है, हालांकि हम वेलफेयर का काम करेंगे लेकिन उनके प्रचार प्रसार का भी बहुत सारा मामला कभी आता है, कभी और भी चीज़ें आती है। हम हालांकि ये बोलते हैं कि जैसे पेमेंट का मामला बहुत ज़्यादा आता है, पेमेंट के समय में कभी संगठन को बताता नहीं आदमी कि यार उससे क्या एग्रीमेंट हुआ। मैं एक्स वाई जेड है, उस आर्टिस्ट ने, ए आर्टिस्ट ने एक्स वाई जेड की कंपनी में काम किया, उसकी क्या नियम शर्तें थी, आपस में क्या हुआ है, उस पर हम बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहते। इसलिए नहीं जाना चाहते कि उस समय संगठन का आपने बातचीत नहीं की थी। हमारा संगठन का उद्देश्य है कि एक प्लेटफॉर्म बने, आप जो आर्ट करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, उस परफॉर्म को हम कैसे बेहतर तरीके से और लोगों के बीच में लेके आएं। कह सकते हैं कि ये पूरी टोटल एक आर्ट का कारोबारी से जुड़े हुए तमाम उन व्यक्तियों को हम संगठन के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं, एक विधा, एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं ताकि वो हमारे साथ जुड़े। हाँ। और हम सब मिलके एक दूसरे के, एक दूसरे के, सबसे पहली बात यह है कि जो भी हम इवेंट करेंगे, इसमें हमने अभी इवेंट प्लान किया है, पहला इवेंट हम लोग लेके आ रहे हैं, फैशन के ब्यूटी कॉन्टेस्ट लेके आ रहे हैं, वो इवेंट में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे जो इसके एसोसिएशन के सदस्य होंगे। जी जी, ये एसोसिएशन के लिए ही करना है। हम ये 27 जिले में एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं कि आपने फिल्म बनाई, आपको प्रचार प्रसार चाहिए, तो हमारे पास में संगठन के हम व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाएंगे वो आपका पास का आदमी, अभी क्या होता है कि 4 जिले में, 5 जिले में, 6-7 जिले में काम है, लेकिन 27 जिला, 5 संभाग, 146 विकास खंड, इस स्तर में बनाना चाहते हैं, भले एक आदमी रहे वहाँ पर हमारा, वो बात आपकी वहाँ तक पहुँचा सके। जी जी, मतलब 90 या जो जितने तहसील हैं, 96 तहसील, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो तहसीलों तक भी आदमी आपके वो स्ट्रक्चर के माध्यम से, कोई एक नया आर्टिस्ट आया कि मेरे को गाना गाना है, तो वो गाना गाने के बाद में अपना लगता है कि यार वीडियो या कोई बातचीत आई है तो वो कैसे स्प्रेड करे। जी जी, जैन साहब एक चीज़ इसमें और भी बताना चाहूँगा या उस पॉइंट्स को और इंडिकेट करना चाहूँगा, ये संगठन टोटल एक इलेक्ट्रल बॉडी है, यानी कि चुनाव द्वारा चुनावी कार्यक्रम होना इसमें, मतलब ये पट्टा लिखा के, तपेश जैन ने अगर बनाया है तो पट्टा लिखा के नहीं लाया है, डेमोक्रेसी विल बी स्टैंड या इस संगठन में, एसोसिएशन में, निश्चित रूप से जो भी करेंगे हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ में करेंगे, सबको बराबर मौका देंगे। हमारा उद्देश्य, मेरा खुद का कि उद्देश्य ये नहीं है कि मैं खुद ही दिखूँ, और भी लोग जो हैं उसमें, मैं 1500 पद पहली बार, और इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को, मैं ख़ास तौर से जो युवा हमारे आर्टिस्ट कलाकार हैं, वुमेंस हैं, बड़ी संख्या में हैं, उन सबको लेकर आगे आने का प्रयास करेंगे कि उनको एक मंच मिल सके। जी, हम अपना एजेंडा बना रहे हैं कि हर 2 महीने में एक कार्यक्रम हम करेंगे, साल में 6 इवेंट इस माध्यम संगठन के माध्यम से, संगठन गतिशील नहीं होते हैं,
संगठन की गतिशीलता सबसे अनिवार्य है, उसकी एक्टिवपन से ही होता है। हाँ, एक्टिवपन से कार्यक्रम से। तो हमने ये बना लिया, कॉन्सेप्ट ये बना लिया कि जो भी इवेंट करेंगे वो संगठन के लोग ही करेंगे, वो सदस्य बनेंगे, वही जज बनेंगे, वही ऑर्गेनाइजर बनेंगे, और खाता खोल के अभी पंजीकरण में जाएंगे, खाता खोलेंगे, खाता खोल के सारा पैसा ट्रांसपेरेंसी के साथ में रखेंगे। ये संगठन कोई कमाने का जरिया नहीं है तपेश जैन का या किसी और का भी, ट्रांसपेरेंसी के साथ में संगठन का पैसा संगठन में ही खर्चा करो और पूरी ट्रांसपेरेंसी रखो। जी, ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये पूरी संगठन एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है, पारदर्शिता के साथ काम करेगी और आप सबके हित में काम करेगी। जो भी व्यक्ति विशेष कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो इस संगठन के मेंबर बन सकते हैं। उनके लिए सदस्यता शुल्क जैसे बताएं कि 200 रुपये है, इनका प्रॉपर एक बैंक द्वारा संचालित होगा और लोगों को अच्छी से अच्छी या नई अपॉर्चुनिटीज़ या नए प्लेटफॉर्म देने का प्रयास भी करेगा। यश, तो जैन साहब से हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप भी जुड़िएगा और बने रहिएगा हमारे इस सेशन कैट के साथ, यानी कि छत्तीसगढ़ आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस एसोसिएशन के साथ। नमस्कार।